तो हे बॉयज एंड गर्ल्स, इन कोर्स में आज के मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग। ड्राइंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो भाई जिनको भी ड्राइंग करनी है, जिनको भी ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो भाई उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं आपको एकदम ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, और सारी चीज एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सो भाई लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर देन एफ टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ड्राइंग करने से पहले सबसे पहली चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ड्राइंग में ना एकदम से जो भी पोर्ट्रेट वगैरह होते हैं ना, उसमें आपको जंप नहीं करना है, आपको जो भी एकदम रियलिज्म है ना उसमें जंप नहीं करना है। आपको सबसे पहले फोकस करना है बेसिक प्रैक्टिस पे। जो बेसिक प्रैक्टिस होती है ना, जो भी शेप्स की प्रैक्टिस हो गई, जो भी एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, लाइक आपने कभी कुछ भी शेप ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये जो चीज़ें की प्रैक्टिस होती है ना, चाहे वो आउटलाइन की हो, चाहे वो एकदम बेसिक शेडिंग की हो, जस्ट आपने हल्की हल्की शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ को आपको एकदम बेसिक तरीके से अब करना है। बिकॉज अगर आप एकदम से पोर्ट्रेट में जंप मारोगे ना, देन वहाँ पे वो चीज़ें आपसे नहीं बनेगी, और वो एकदम मतलब अजीब सा दिखेगा, भाई आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे बेस्ट ये रहता है भाई कि सबसे पहले आप बेसिक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, जिससे आपकी जो पोर्ट्रेट है ना वो बहुत अच्छी होगी। आपको अपने आउटलाइन एंड शेडिंग पर फोकस करना है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर लेना, अगर आपको सीखना है कि भाई कौन सी चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करनी है। लाइक जैसे मैंने उन वीडियो बता रखा है कि आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, शेडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो भाई इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। भाई लोग मेरा पहला पॉइंट ये है कि भाई स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम आराम आराम से, देन उसके बाद आप धीरे धीरे अपर लेवल पर पढ़ो। एकदम स्टार्टिंग में ना आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आउटलाइन की हो, चाहे शेडिंग की हो, बस बेसिक पर ध्यान देना है। सो गाइस, यहाँ पे भाई दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, वो आती है डिस्ट्रैक्शन। अब भाई देखो, आपने नई नई ड्राइंग स्टार्ट की है, तो भाई आप बहुत से वीडियो देखोगे कि यार मतलब ये चीज़ कैसे बनाएं, ये चीज़ कैसे करें, जो कि ज़रूरी भी है आपको सीखने के लिए, लेकिन यार वहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। कि आप कोई भी चीज़ सीख तो रहे हो वो अच्छी बात है, पर हो सकता है भाई आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी हो जाओ, तो भाई आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप स्टार्टिंग में बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक चीज़ें बना रहे हो, तो उन्हीं को बनाओ। हो सकता है काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कि रियलिस्टिक ड्राइंग देख लेते हैं, बहुत एकदम मस्त मस्त हाइपर रियलिस्टिक वाली ड्राइंग देख लेते हैं, तो उनका मन डोल जाता है भाई कि मतलब हम भी ऐसी टाइप की ड्राइंग बनाएंगे। तो यार आपको पहले बेसिक प्रैक्टिस कर लो अपनी, एंड उसके बाद धीरे धीरे उन चीज़ों पर बढ़ोगे आप ना, देन आपको वो ड्राइंग बहुत मस्त ड्रॉ कर पाओगे आप। तो भाई सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें करो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप जब पोर्ट्रेट पर बढ़ोगे, धीरे धीरे आप नए नए ड्राइंग करोगे, देन भाई वो चीज़ें सही है। बट स्टार्टिंग में एकदम डिस्ट्रैक्ट होना कि यार मैं एकदम रियलिज्म में जाऊँगा, हाइपर रियलिज्म में जाऊँगा, इन चीज़ों पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और भाई खास करके टूल्स, इस चीज़ पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज यार मतलब जो भी आर्टिस्ट को आप देखोगे, तो ऑब्वियसली यार वो सब पोर्ट्रेट ड्राइंग बना रहे हो या फिर अच्छे अच्छे ड्राइंग बना रहे हो, तो वहाँ पे भाई चांसेस हैं कि वो थोड़ा बहुत टूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यार आपने जस्ट अभी ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, आपने अभी जस्ट ड्राइंग स्टार्ट की है, जस्ट एकदम तुरंत आपने ड्राइंग स्टार्ट की है, तो आपको टूल्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भाई आप नए नए टूल्स खरीद के बैठ जाओ, फिर आपसे बन नहीं रहा कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। टूल्स पे आपको एक भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको जस्ट जो नॉर्मल पेंसिल एंड पेपर होता है उसी से जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है एंड बस। इसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, वो आती है पेशेंस एंड प्रैक्टिस। अगर आप भाई ड्राइंग में आए हो, अगर आपने ड्राइंग स्टार्ट की है, अगर आपको ड्राइंग करने में मज़ा आ रहा है कि भाई आप ना भाई ड्राइंग करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यार इसमें आपको ना पेशेंस बहुत ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा। अगर आप ड्राइंग करते हो, अगर आप चाहते हो भाई कि अच्छी तरीके से मैं और लॉन्ग टर्म तक ड्राइंग कर पाऊँ, देन भाई आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। मेन होता है भाई पेशेंस की, मतलब जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो स्लोली स्लोली ड्रॉ करो, आराम आराम से ड्रॉ करो, अपना पूरा टाइम लेकर ड्रॉ करो। और ये जो चीज़ है ना, मतलब जैसे इंप्रूवमेंट होती है भाई, आप ड्राइंग कितना जल्दी इंप्रूव हो रही है, तो ये एक टाइम के बाद होती है। ड्राइंग में ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई ड्राइंग इंप्रूव नहीं होने वाली। तो भाई ये मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, तो भाई ड्राइंग में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उसके साथ आपको पेशेंस बना रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस बनाए बड़े हो, बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी गलत चीज़ है। और आप प्रैक्टिस आपने कर ली एक दो दिन, आप पेशेंस के साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी गलत चीज़ है कि भाई आपने एक दो दिन प्रैक्टिस कर ली अब आप छोड़ दिए, है ना। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो भाई उसको कंसिस्टेंट करो, एक टाइम तक करो। मतलब कि अगर आप आज से अपना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक दो साल तो अच्छे तरीके से करो उसको कंसिस्टेंटली, पेशेंस बना के, तेन ही आपको जाके एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक जो मैसिव इंप्रूवमेंट है ना, देन आपको जाके देखने को मिलेगा। वैसे आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ड्राइंग के अंदर, बट ये जो एक मैसिव इंप्रूवमेंट होता है ना, देन आपको एक टाइम के बाद देखने को मिलेगा। अपने ओल्ड ड्राइंग से जब आप कंपेयर करोगे, देन आपको पता चलेगा भाई आपने कितना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। तो भाई इसमें आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एंड कोशिश करना है कि जो अपने पेशेंस लेवल है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करो। अपनी चौथी चीज़ आती है वॉच ट्यूटोरियल्स। भाई जितने भी ड्राइंग ट्यूटोरियल्स है ना, जो भी ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं लोग कि भाई ये चीज़ कैसे बनाएं, हाउ टू ड्रॉ दिस, हाउ टू ड्रॉ हैंड आईज ईयर नोज, सब देखो। क्योंकि यार स्टार्टिंग में जब आप बेसिक प्रैक्टिस के बाद जब ऊपर चले जाओगे ना,
देन जब आप ह्यूमन फिगर्स बनाओगे, उसके बाद आप जब फेस पोर्ट्रेट में जाओगे, देन वहाँ पे आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा कि आप आइज़ कैसे बनाओ, एक्यूरेट कैसे बना पाओ आइज़ हो गए, नोज़ हो गए, जो भी फेस की फीचर्स हो गए या फिर फेस हो गया, हेयर हो गया, कुछ छोटी छोटी चीज़ ना आपको देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि यार स्टार्टिंग से एकदम सारी चीज़ अच्छे से नहीं बन पाती हैं यार। और ऐसा तो है नहीं कि एकदम सब सेल्फ शॉट हो, अंदर से सब आने लग जाएगा आपके। आपको लोगों को देखना पड़ेगा कि हेयर्स बना रहे हो तो हेयर कैसे बनाते हैं, पहले लाइट पेंसिल यूज़ करते हैं फिर डार्क यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देख के आएगी, एंड मेन तो प्रैक्टिस से आएगी, पर आपको देखना तो पड़ेगा ना भाई कि कोई चीज़ कैसे की जाती है। तो इस चीज़ के लिए भाई ज़्यादा ट्यूटोरियल देखो, ज़्यादा सीखो। एंड अपने आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, स्टार्ट विथ सिंपल फोटोज। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जब वो पोर्ट्रेट में जाएंगे या फिर कोई भी मतलब आपने बेसिक प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद जब आप थोड़े ऊपर जाते हो देन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं कि आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन कैसे आपको जब भी कोई आप रेफरेंस फोटो सेलेक्ट करो ना अपने ड्राइंग करने के लिए, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोटो भाई जो बहुत मुश्किल होती है ना, जिसमें हाथ ऐसे ऐसे कर रखा है एकदम मतलब मुंडी तरीके से घुमा रखी है, तो भाई उस टाइप की फोटो तो आपको नहीं लेनी है। आपको ना एकदम जो लाइक अगर आप पोर्ट्रेट स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले जो सीधा फेस होता है ना एकदम सीधा सीधा फेस, तो उस टाइप के आप पोर्ट्रेट लो। साइड फेस है तो एकदम साइड फेस लो। ऐसा नहीं कि आप एकदम इस टाइप की फोटो ले रहे हो, उस टाइप की फोटो ले रहे हो, तो उसमें ना आपकी ड्राइंग स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं बनेगी। मतलब एक्सपेरिमेंट करो धीरे, बट स्टार्टिंग में जो एकदम बेसिक फोटो होती है ना वही उसी से स्टार्ट करो। बहुत आड़े गिड़ी फोटो मत ले लो भाई कि टेढ़ी मेढ़ी फोटो ले रखी है आपने और फिर आपसे बन नहीं रही है। तो भाई स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग जो एकदम बेसिक फोटो होती है ना एकदम सीधे फेस वाली, उन फोटो से स्टार्ट करो। उससे आपको नॉलेज होगी कि भाई सीधा फेस कैसे बनाते हैं, टेढ़ा फेस कैसे बनाते हैं। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चढ़ो, देन ही आपकी जाकर ड्राइंग अच्छी इंप्रूव होगी। और आप खुद देखोगे भाई कि एक टाइम के बाद ना, अभी आपने ड्राइंग स्टार्ट की है, एक टाइम के बाद आपकी ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप चाहे कितनी भी मुश्किल फोटो ले लो भाई, हाथ पर ऐसे मोड़ रखा है एकदम कैसे भी करके फोटो ले लो, आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के बना पाओगे। अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सीधा फेस या फिर साइड फेस ही ड्रॉ करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई यही कुछ चीज़ें जो कि आपको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले या फिर ड्राइंग स्टार्ट करते समय ध्यान रखनी होती है। अगर आप ये चीज़ ध्यान रख के करोगे ना ड्राइंग स्टार्ट, तो आपकी ड्राइंग बहुत सही तरीके से और बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करो जो भी मैंने इसे पॉइंट बताए वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस टाइप की और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।